Hello everyone, this side Manish. Today we are going to discuss our next topic, that is design 16:1 multiplexer using 8:1 mux. Ab humne 16:1 multiplexer banana hai, but with the help of 8:1 multiplexer. Matlab humare paas 8:1 multiplexer available hai, uski help se humne 16:1 multiplexer banana hai. To sabse pehle 16:1 mux ki jo important terminologies hai, wo kya hai ki 16 inputs hongi iski. ठीक है, जो कि D0 से लेके D15 तक 4 सिलेक्ट लाइंस चाहिए हमें इसको डिजाइन करने के लिए, राइट. एक मतलब एक आउटपुट होनी चाहिए इसकी, ठीक है. और अगर मैं 8:1 मक्स की बात करूं तो 8 इनपुट्स होती हैं इसकी, राइट. 3 सिलेक्ट लाइंस होती हैं और एक आउटपुट होगी, ठीक है. कितने मक्स चाहिए हमें टू डिजाइन दिस 16:1, दैट इज 2 2:1 mux की हेल्प से हम जो है वो डिजाइन करेंगे. कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट. हमें यहाँ पे 2 mux चाहिए, एक मैं यहाँ पे ले रहा हूं, इसको मैं लैंडस्केप में बना रहा हूं ताकि स्क्रीन में कवर अप हो जाए. इसको आप पोर्ट्रेट मोड में भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू. तो मैंने ये एक mux लिया, इसको मैंने नाम दे दिया 8:1 mux 2, इसको नाम दे दिया 8:1 mux 1, ठीक है. अब इसकी जो पिन्स हैं वो ये 2 है और ये 1 है, तो पहले इसकी 8 पिन्स बनाते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, सेम एज इट इज. इसकी 8 इनपुट बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको जो हम नाम दे रहे हैं दैट इज D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, ठीक है. और इसको जो नाम देंगे वो D15 अप टू D8 तक जाएगा ये. तो ये जब हम 16 इनपुट्स होगी टोटल, ठीक है, 8 और 8 उसकी. अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इनेबल पिन दोनों की कॉमन करनी, ठीक है जी. इनेबल पिन कॉमन कर रहे हैं तो उसके बीच में एक चीज हमने करनी है. एक इनेबल पिन को हम नॉट गेट के साथ लगाएंगे, ठीक है. जो मक्स वन है उसको नॉट गेट लगा दिया, जो दूसरी इनेबल पिन है उसको मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया विद द इनपुट. और इसको जो नाम दे दिया वो हमने सिलेक्ट पिन का दे दिया, मतलब इट विल एक्ट लाइक अ सिलेक्ट पिन. होगी ये इनेबल पिन नहीं, एट ए टाइम एक मक्स को इनेबल करेगी, ठीक है. और बाकी जो हमें पता है कि इनकी 3 सिलेक्ट लाइंस होती हैं, तो तीनों को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया. वो होती है S2, S1 एंड S0, सेम एज इट इज. इधर भी S1, S2, S1 एंड S0, ठीक है. और इनको हमने बाहर से इकट्ठी इनपुट देनी है. तो ये हमारी, तो हम इसमें से जो 3 वो निकाली हैं पिन्स, यहाँ पे ये है S2, ये S1 एंड ये S0, और ये हम जो इनेबल पिन आपस में कनेक्ट की थी इसको नाम दे दिया S3 का, ठीक है. और यहां से जो 2 आउटपुट्स आएंगी हमारे पास, एक Y2 और एक यहां से आएगी Y1, इसको हम आपस में और गेट के साथ कनेक्ट कर देंगे टू मेक इट अ सिंगल आउटपुट, ठीक है. तो यहाँ पे एक मैंने और गेट लगा दिया और इसकी जो आउटपुट होगी इस और गेट की, दैट इज द Y जो हमें मल्टीप्लेक्सर से मिलेगी, ठीक है. तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है. कौन सा सर्किट डायग्राम है ये, 16:1 mux बाय यूजिंग 8:1 mux. अब होगा क्या, इसका हम ट्रुथ टेबल वेरीफाई करते हैं. सो ट्रुथ टेबल में नीचे जाके यहां पे मैं एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं. जी सबसे पहले मुझे चाहिए 4 सिलेक्ट पिन्स. S3, S2, S1, ये S3 है, S2 है, S1 है, S0 है. ये हमें यहाँ पे 2 आउटपुट्स मिल रही हैं, Y1 एंड Y2, ठीक है. और ये हमें बाहर आउटपुट मिलेगी Y, ठीक है जी. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट पिन्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मक्स आउटपुट्स,
और यहां पे टोटल आउटपुट। सो ये हमारी टोटल आउटपुट यहां पे आ जाएगी, ठीक है जी। अब हमारा जो मेन काम है, यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन लेंगे। अब नॉर्मली इसकी वर्किंग अकॉर्डिंगली मैं चलूं तो क्या करता है ये, जब हम ये तीनों, ये जो हमारे पास सेलेक्ट पिन है 000 से लेके 111 तक, उसके अकॉर्डिंगली ये या तो यहां से मक्स वन से कोई एक पिन सिलेक्ट करके आउटपुट पे देगा, ठीक है, या तो यहां से 8 पिन से कोई एक जो है पिन वो आउटपुट से कनेक्ट कर देगा। बट ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मक्स सिलेक्ट कर हो रहा है या कौन सा मक्स एट ए टाइम चल रहा है, वो डिपेंड करेगा S3 पे। जब हम S3 को 0 देंगे यहाँ पे, तो ये 0 डायरेक्ट जाएगा यहाँ पे। अब इनेबल को 0 मिला, दैट मीन्स ये मक्स काम नहीं कर रहा उस टाइम पे। बट यही 0 आगे इधर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा है जो कि इसको 0 को कन्वर्ट कर देगा 1 में, और ये 1 इनेबल को क्या करेगी, इस चिप को ऑन कर देगी। अब इस चिप को ऑन करेगी, बाकी ये 3 सिलेक्ट पिन के अकॉर्डिंगली कोई एक पिन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो D0 से D7 तब चलेगी जब ये S3 0 है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है S3 को 1 कर दो। S3 को 1 किया तो ये जो नॉट गेट है ये इसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, उस टाइम पे ये वाला मक्स काम नहीं करेगा, ठीक है। उस टाइम पे ये 1 डायरेक्ट यहाँ पे आया और यहाँ पे इसको इनेबल कर देगा मक्स 2 को। दैट मीन्स उस टाइम पे हमारी जो आउटपुट आएगी वो D8 से लेके D15 तक आएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हम यहाँ पे वो बनाएंगे, 0000 बना लिया अभी हमने, कॉम्बिनेशन ले लो टोटल 0001 0010 0011 0100 0101, ये आपको आता ही है तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी पे। मैं इसको ऐसे लाइन लगा के लास्ट में 1111 कर रहा हूं, ठीक है। अब जो पहले जब तक S3 0 है इस 8 पोजीशन में, तब तक मक्स 1 काम करेगा। उस टाइम पे हमें Y1 मिलेगी और वो मिलेगी D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7, ठीक है। और जब तक हमारा S3 1 है उस टाइम पे मक्स 2 काम करेगा। दैट मीन्स पहली बार जब मक्स 1 काम कर रहा था, मक्स 2 में डोंट केयर कंडीशन आ गई थी, मतलब कोई भी हो। जब हमारा मक्स 2 काम कर रहा है इसके बाद, उस टाइम पे ये चूज होगी Y2 पे D8 से लेके D15 तक, ठीक है जी। अब टोटल आउटपुट क्या आएगी हमें, हमारे पास ये इस टाइम पे डोंट केयर है, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास आएगी D0 से लेके D15 तक, ठीक है जी। ये आप एज इट इज यहां से बना सकते हैं, इसको कंप्लीट बनाइए आप। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहा हूँ, बीच में मैंने कुछ मिसिंग कर दिए हैं कॉम्बिनेशंस, आपने पूरा बनाना है। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ 16:1 मक्स यूजिंग 2:8:1 मक्स, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा जो है कंप्लीट हो गया सर्किट। अगर आपको पेपर में ऐसा ही आएगा तो आपने क्या करना है, एक तो डिजाइन करना है उसको, देन इसके बारे में लिख देना है कि इन 16:1 मक्स वी नीड दिस इनपुट्स आउटपुट्स, एंड फॉर 8:1 मक्स वी नीड दिस इनपुट्स एंड सिलेक्ट लाइंस एंड आउटपुट, ठीक है। उसके बाद ये डिजाइन, देन लॉजिक, सॉरी ट्रुथ टेबल, ये चीजें हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। सो थैंक यू।